economics class. In today's class, we are going to discuss chapter number 1, which is development, and today's session will be session number 2. In this session, we are going to talk about income and other goals. तो इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम के बारे में और अदर जो गोल्स होते हैं उनके बारे में. व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. हम लोगों ने अर्लियर सेशन में बात किया कि किस तरीके से डेवलपमेंट का जो मीनिंग है इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल. फॉर समबडी यू नो मेकिंग डैम्स एंड हैविंग electricity is the main जो development है. and then for the tribes उन लोगों ने वो example discuss किया earlier session में कि उनके लिए वो that is not a good thing. so there is a conflict जो एक development है different different लोगों के लिए. तो what people desire actually जो लोगों को चाहिए वो क्या होता है कि regular work हो उनके पास, उनको better wages मिले so that they can live like a comfortable life वो लोग जी सकें, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. सो जो भी फार्मर्स हैं वो जब यू नो दे सेल देयर जो भी क्रॉप्स है सो दे गेट डिसेंट प्राइस ऑफ दैट एंड ऑल्सो जो भी अदर प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज ऑल एक्चुअली पीपल डिजायर. सो द बेसिक जो चीज़ें हैं दिस इज वॉट पीपल डिजायर कि वो रेगुलर वर्क मिले और उनका जो क्रॉप्स है फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छे प्राइस में वो सेल करें. इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम. सो ये सब किस लिए होता है कि जॉब्स मिले या फिर यू नो क्रॉप सेल करें या फिर जो कुछ भी समबडी इज मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हम लोग देखते हैं वो सब किसके लिए है, वो सब इनकम के लिए है. सो इन द एंड जो सब चीज़ चाहते हैं एवरीबडी दैट इज इनकम. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. So, beside income, when somebody is comfortable having the income that they have, उसके बाद लोगों का क्या ध्यान होता है कि income अगर if they have already उन्होंने you know उसपे काम कर रहे हैं and then उनके पास क्या होता है कि they want equal treatment जो है society में उनको equally treat किया जाए. फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम कहीं भी जाने की हो. जैसे हम लोगों ने अर्लियर सेशन डिस्कस किया कि गर्ल व्हाट शी वांट्स उसको जो ब्रदर को फ्रीडम मिल रही है सेम फ्रीडम उसे भी मिले. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली पीपल वांट कि उनको इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो मिले, फ्रीडम हो एंड ऑल्सो सिक्योरिटी इज़ वेरी बिग थिंग कि यू नो जहाँ पे वो रहते हैं और कहीं भी काम करते हैं वॉट एवर एनी वेयर दे फील सिक्योर अबाउट इट एंड उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल रहता है उसके लिए एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. सो दिस इज ऑल वॉट पीपल जनरली वॉन्ट. दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. इन फैक्ट इन सम केसेज दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. सो यू नो एवरीबडी जो भी डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ है वो एवरीबडी जो लोग हैं वो रिजेंट करते हैं. सब लोग चाहते हैं कि यू नो इक्वली एवरीबडी इज ट्रीटेड एंड ऑल्सो ये जो सही चीज़ें हैं जो गोल हम लोगों ने डिस्कस किए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये जो सारी चीज़ें हैं कि इक्वल जो है सबको यू नो इक्वली एवरीबडी इज ट्रीटेड एंड जो और भी ये जो सारे कि फ्रीडम हो, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें इट कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द यू नो मोर इनकम का जो लोगों का एक डिज़ायर रहती है, एस्पिरेशंस रहती हैं. सो यू नो दीज थिंग्स ऑल्सो विल डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल. कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए एंड देन फॉर सम पीपल यू नो मेकिंग मेयर इनकम एंड यू नो उनका घर चलाना ही everything is for them. so that is why these things are all different for different people. money or material things that one can buy with it is one factor on which our lives depend. to jo ek money hai us pe hum log kya kar sakte hain, jo sari material cheeze hain hum log buy karte hain, humko phone khareedna hai so we need money, humko in a restaurant mein jaake kuch khana hai we need money for that. तो इन सारी चीज़ों के लिए मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें पैसे चाहिए एंड ये जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए दैट इज़ वन फैक्टर ऑफ आवर लाइफ. बट वी ऑल्सो क्रेव फॉर इक्वालिटी है, जस्टिस है, सिक्योरिटी है, वी ऑल्सो क्रेव फॉर ऑल दीज थिंग्स.
but the quality of our life also depends on non-material things. So this is very important कि जो हमारे पास एक मनी या इनकम का जो एक सोर्स है उसके अलावा भी वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसपे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इफ़ यू डोंट हैव द फ्रीडम एंड इफ़ यू ओनली हैव मनी तो आप क्या कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ़ यू कैन नॉट गो आउट, अगर कोई यू नो समबडी इज लिविंग इन एन एरिया जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि यू कैन नॉट जस्ट गो आउट ऑफ योर होम, तो इवन इफ हाउ मच मनी यू हैव यू वोंट यू नो आपको पैसा भी यू वोंट फील दैट गुड विद दैट मनी. तो वी नीड अ लॉट ऑफ अदर जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं वो भी दे गो हैंड इन हैंड विद द मटेरियल थिंग्स. थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप. तो जैसे वी टॉक्ड अबाउट कि वी यू नो नीड सम अदर थिंग्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम मनी, उसमें फ्रेंडशिप ही है. यू नो व्हेन यू आर लो इन लाइफ और व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेज और डिफिकल्ट फेज आपकी लाइफ में हो, देन ऑल यू नीड इज मनी के अलावा इज यू नो यू वॉन्ट दैट फ्रेंड सो आप उसे बात कर सके. देन यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ. तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. नॉट ओनली इनकम और मनी इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली देर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट इन आवर लाइफ्स, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एंड वी नो वॉट आर द थिंग्स आर यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सबके लिए इट कुड बी डिफरेंट. कुछ लोगों के लिए यू नो फ्रेंडशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए यू नो टू बी समथिंग यू नो इफ समबडी वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, उनके लिए वो आर्टिस्ट बनना एम ऑफ लाइफ है तो उनके लिए वो एक बड़ी चीज़ है. सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स कीप चेंजिंग विद पर्सन टू पर्सन. यू कैन नॉट से कि एवरीबडी वॉन्ट्स फ्रीडम और एवरीबडी वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो ये सारी जो चीज़ें होंगी जैसे कि हम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी डिस्कस किया, जैसे डिवेलपमेंट इज डिफरेंट, सबके लिए अलग अलग उसके मायने हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली सेम कि लोगों के लिए इनकम और जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं उनके लिए अलग अलग यू नो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट थिंग्स जो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है. हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वॉट के नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो यू नो बहुत ये गलत होगा कहना कि मनी वी कैन मेजर कि मनी इतना है, वी कैन नो कि यू नो 1000 रुपये कितने हैं और 2000 रुपये कितने हैं, बट एक फ्रेंडशिप को वी कैन नॉट मेजर कि इट्स यू नो दिस लॉन्ग फ्रेंडशिप. तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो यू नो ऑलमोस्ट दैट मच मोर इम्पॉर्टेंट और समटाइम्स वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. इट डिपेंड्स वेयर यू आर इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं, व्हाट यू नीड मोर. तो वो चीज़ें यू नो इन फेजेस ऑफ योर लाइफ दीज थिंग्स विल चेंज. सो वी कैन नॉट जस्ट से कि जो आप चीज़ें मेजर नहीं कर सकते हैं उनका इम्पॉर्टेंस नहीं है. एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. तो अगर आपको एक यू नो जॉब मिले कहीं पे, इट्स अ वेरी फार ऑफ प्लेस, लेट्स से यू लिव इन यू नो साउथ ऑफ इंडिया एंड यू गेट अ जॉब इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो आप इनकम बहुत अच्छी होगी यू नो अगर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है. स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर आप देखते हैं कि वहाँ पे योर किड्स विल बी कंफर्टेबल और नॉट. अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो यू नो आप देखते होंगे अपने घर में भी, अगर इफ़ यू नो समबडी इज़ गेटिंग ट्रांसफर कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो वो देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि यू नो बच्चों को स्कूल कैसा होगा, हाउ इज़ द एटमॉस्फियर वहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट मनी के साथ साथ. इफ़ इनकम इज इंक्रीजिंग बट यू विल स्टिल लुक एट लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स टू. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. तो अगर दूसरे एंगल से इफ वी सी द सेम थिंग
कि अगर कोई और जॉब आपको मिलता है एंड उसमें अगर किसी को कम सैलरी है बट जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनको लगता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है, फ्रीडम भी है एंड होल फैमिली विल बी मोर कम्फर्टेबल वहाँ पे रहेंगे, तो फिर दे माइट चूज द लेसर इनकम जॉब. सो एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम. अगर आप किसी चीज़ का यू नो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो इनकम इज नॉट एवरीथिंग. बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो आपको डिसीजन लेने में यू नो इम्पॉर्टेंट रहते हैं. अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. सो अगर आपको कोई दूसरा जॉब मिलता है जहाँ पे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन अ सेंस कि आपको जॉब में यू नो कभी भी निकाला जा सकता है, अगर वो भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज वो एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बार बार जॉब चेंज करके नहीं जा सकता है. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ बट ऑल्सो अदर थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं. कि हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा पे मिल रही है जॉब में, ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है बट स्टिल लोग देखते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं. तो अगर कहीं और जॉब है उसमें थोड़ी सी कम इनकम है बट अदर जो सारे फैक्टर्स हैं वो उनके बहुत सही हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर सीइंग कि किस तरीके से वी थिंक कि इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वी ऑल्सो लुक एट बहुत सारी और जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारी लाइफ में जो नॉन मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज. तो सिमिलरली हम लोग देखें कि जो डेवलपमेंट है जो लोग हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं. तुम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी डिस्कस किया कि फॉर एवरीबडी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगा एंड ये एक बहुत यू नो इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू थिंग कि जो वुमेन है अगर वो बाहर जाके पेड वर्क में काम करती हैं, दे आर गेटिंग सैलरी फॉर इट, तो उनकी जो डिग्निटी है हाउस होल्ड में वो बढ़ जाती है. एंड दैट इज़ लाइक यू नो इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी वेयर वेर एवर यू गो यू नो इन इंडिया और एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगर आप जाएंगे तो इट होल्ड्स ट्रू कि अगर इफ़ यू आर सिटिंग एट होम एंड यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर होम एंड इट्स नॉट दैट कि दैट इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब नहीं है वो, फिर भी अगर यू नो वुमेन बाहर जाती हैं एंड इफ दे गेट अ सैलरी फॉर दैट दे काम करते हैं तो उनकी जो हाउस होल्ड में उनकी जो एक डिग्निटी है या फिर उनका जो एक होल्ड है या पावर है वो इंक्रीज हो जाता है. It is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तो ये भी एक सही है कि अगर women बाहर काम करेंगे तो उनका ज़्यादा acceptance होगा and घर में भी उनको there would be more sharing की you know अगर बच्चे भी होंगे आप लोगों के यहाँ भी अगर you know आपकी your mom goes to work तो आप भी थोड़ा सा काम share कर लेंगे because you know कि she comes back and वो tired रहते हैं. तो इसलिए दैट इज़ वॉट हैपन्स कि यू नो एवरीबडी विल थिंक अबाउट कि यू नो शी इज़ ऑल्सो टायर्ड वेन शी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम वर्क. अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस. तो जो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है फॉर अ वुमेन की वो एक जॉब देखें. अगर ये सेफ एंड सिक्योर जो यू नो एटमोसफियर मिलेगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन है वो बाहर जाके काम करेंगे एंड दे विल इवेंचुअली वो इनकम करेंगे एंड डेवलपमेंट में फॉर द होल कंट्री देन वो विल बी पार्टिसिपेटिंग. द डिवेलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. तो होल ऑफ द सेशन वी हैव सीन कि किस तरीके से इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट जो और सारे गोल्स हैं डेवलपमेंट के वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेटर इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट जो जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो दिस वाज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन एंड हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के एंड इफ़ वुमेन जो हैं वो बाहर जाके काम करती हैं तो वो भी एक ओवरऑल उनका जो एक डेवलपमेंट है वो होता है एंड उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है
एंड इस तरीके से वो भी एक यू नो डेवलपमेंट में एक नेशन के डेवलपमेंट में वो भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.